अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितुं येन तस्मै श्री गुरवे पंचकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो सर्वाग्रे भवन स्वरूप विघ्न तथा परमर्त्यम् अस्मदीय गुरुपाद वदन नित्यला विष्णु विष्णुमादर्शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात उनकी कृपा प्रार्थना तत्पश्चात अस्मदीय शिक्षा गुरु तथा श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठाता आचार्य नित्यला विष्णु विष्णुमादर्शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ का वर्तमान अध्यक्ष आचार्य पूज्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विभूत बोधयन गोस्वामी महाराज चरण में दंडवत मंचासीन आचार्यगण गौड़ीय वैष्णव आचार्यगण त्रिदंडीपादगण वैष्णवगण हरिकथा श्रवण पासु सज्जनगण मातृगण सबको यथाज्ञ सम्मान प्रदर्शन करें। आज का कथा वस्तु आज श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठाता आचार्य नित्यला विष्णु विष्णुमाल अर्चत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का 125 वर्ष आविर्भाव तिथि पूजा उपलक्षे एवं श्री चैतन्य मठ और गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठाता आचार्य नित्यला विष्णु विष्णुमादर्शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का 150 वर्ष आविर्भाव तिथि पूजा उपलक्षे आज वैष्णव समागम दिव्य समागम इसी बारे में आप लोग आचार्य वृंद से विचार किया आचार्य वृंदगण और ये है आज उनका चरण में हम लोग प्रणिपात करेगा और परिप्रश्न करेगा। उनका चरण में प्रणिपात होकर क्या प्रार्थना करेगा, प्रणिपात कैसा करेगा, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ये सब छोड़कर उनका चरण में निश्चला भक्ति प्रार्थना करें। जब तक जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ये हमारा हृदय में रहेगा, ये जो प्रणाम प्रणाम नहीं होगा, जो अष्टांग प्रणाम ये प्रणाम का जो विधि है ये विधि भी पालन नहीं होगा। दो जानू दो पदम दो जानू बक्षस्त मस्तक हस्त इसका साथ में मन बुद्धि और चक्षु ये मिलकर चक्षु में उनका रूप दर्शन होगा, वाणी में उनका स्तव स्तुति होगा और बुद्धि में उनका विचार आएगा, तब प्रणाम होगा नहीं तो नहीं होगा। उनका चरण में हम लोग निश्चला भक्ति ये प्रार्थना और मैं इस जगत में आकर कि आधि दैविक आध्यात्मिक आधि भौतिक ताप में जर्जरित हो इसमें कैसा रक्षा मिलेगा, इसलिए उनका चरण में ये प्रार्थना। एक समय हमारा मठ में कुछ बात केशव प्रभु अवस्थान करते इसी टाइम में महाराज जी आया और एक साथ में
संत गोस्वामी महाराज आए। जैसा तीन नदी गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हुआ, तीनों गुरु भाई हैं, कुछ बात संत गोस्वामी महाराज, कुछ बात भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और केशव प्रभु, ये मिलित हुआ। तो ये जो गंगा जमुना सरस्वती का जो धारा एकत्रित हुआ, जो आनंद है, ये आनंद कल्पनातीत। और महाराज जी का मुख से हर टाइम जय गुरुदेव जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। मेरा क्षेत्र विचार से मैं बोलते हैं तो भगवान का प्रति उनका तो विश्वास हो सकता है थोड़ा कम है, जगन्नाथ जी का प्रति विश्वास कम हो सकते हैं, और उनका गुरु जी का चरण में ये विश्वास है। ये प्रभुपाद हम लोग को क्या करेगा, एक गोलोक वैकुंठ तक ले जाएगा। भगवान चरण में जो सेवा देगा ये प्रभुपाद देगा, गुरुदेव देगा। गुरुदेव और प्रभुपाद को छोड़कर भगवान का चरण में सेवा देने के लिए और कोई नहीं है। इसीलिए हर टाइम महाराज का मुख से अंतिम समय पर्यंत जय गुरुदेव जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय प्रभुपाद, ये हर टाइम और ये निकल उनका चरण में। उनका तो जीवन चरित्र अनंत है, ये अधम क्या वर्णन करेगा। आज उनका तिथि में उनका चरण में पाणी पुष्पांजलि दें, मैं उनका चरण में ज्ञान तो अज्ञान तो जो कुछ तो अपराध को क्षमा प्रार्थना। वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु भैवच पत्तानम पापने भो वैष्णवे भू।